आज हम ब्राउन पेपर पर रफल क्रॉप टॉप की कटिंग करना सीखेंगे। रफल क्रॉप टॉप के लिए जो हमारा मेजरमेंट है, मेजरमेंट हमारा है फुल लंबाई 18 इंच, अक्रॉस बैक 13 इंच, चेस्ट 32 इंच, वेस्ट 28 इंच, स्लीव लेंथ 5 इंच, बॉटम 10 इंच। इसी नाप के अनुसार हम रफल क्रॉप टॉप की कटिंग करना सीखेंगे। फुल लेंथ का फार्मूला हमारा है फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। जो हमने तैयार लेंथ करनी है वो हमारी 18 इंच है। 18 इंच में सीम अलाउंस हमारा हाफ इंच होगा, टर्निंग हमारी यहाँ पर 1.5 इंच होगी। ये जो हमारी टर्निंग है हम यहाँ पर कम ज्यादा भी रख सकते हैं। 18 प्लस हाफ प्लस 1.5 इजिकल टू 20 इंच, ये हमारे क्रॉप टॉप की लेंथ होगी जब हम कटिंग करेंगे। अक्रॉस बैक का हाफ, अक्रॉस बैक हमारे यहाँ 13 इंच है, अक्रॉस बैक का हाफ हुआ हमारा 6.5 इंच। चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने पर 8 इंच प्लस 2 इंच की इजिकल टू 10 इंच। वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच, 28 को 4 से डिवाइड करने पर 7 इंच, 7 इंच में प्लस करना है हमने लूजिंग के लिए और दबाव के लिए 2 इंच इजिकल टू 9 इंच। अगर हमें डॉट डालनी है वेस्ट में तो हम यहाँ डॉट का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, और डॉट नहीं डालनी है तो हमारा ये 9 इंच हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें डॉट भी डालनी है तो ये जो हमारा 9 इंच है इसमें हम जितने डॉट डालेंगे 1.5 या 1 या 2 जितने भी डालेंगे हम वो ऐड कर देंगे। यहाँ हमने 1.5 ऐड किया तो 10.5 अगर डॉट डालेंगे तो। रफल लेंथ जो हमारे गले पे हमारी रफल होगी वो हम यहाँ पर बनाएंगे, 3 लेयर बनाएंगे या 2 बनाएंगे, 2 लेयर भी बना सकते हैं और 3 लेयर भी बना सकते हैं। तो हमने रफल की जो लेंथ लेनी है, पहली रफल हमारी जो होगी 10 इंच की, सेकंड होगी हमारी 8 इंच की और थर्ड होगी हमारी 6 इंच की। आप यहां पर कम ज्यादा भी रख सकते हैं, 10 की जगह यहाँ 8, 7, 6, 1-1 इंच का भी मार्जिन रख के कर सकते हैं, 2-2 का भी, 1.5 का भी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये ब्राउन पेपर लिया हुआ है और ब्राउन पेपर को इस तरीके से मैंने ये फोल्ड कर लिया है। ये हमारी 1, 2 और 2, ये 4 लेयर हुई फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें क्या करना है, यहां पे ये हमारी फोल्ड साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी यहाँ पर 20 इंच निकल करके आई थी फार्मूले के हिसाब से 20 इंच, तो हमने ये जो लेंथ रखी है वो है हमारी 20 इंच। अब यहाँ पर देखना ये है कि हमें अगर फ्रंट ओपन रखनी है तो हम ओपन भी रख सकते हैं, और ओपन अगर नहीं रखनी है तो हम इसको फोल्ड भी रख सकते हैं। तो यहां पर अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमारी फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड की तरफ हमने ये लेंथ ली है, लेंथ हमारी है 20 इंच। अक्रॉस बैक हमारा निकल करके आया 6 इंच, आर्म होल हमारा हो जाएगा 7 इंच, अक्रॉस बैक हमारा 6.5 इंच, आर्म होल 7 इंच, चेस्ट हमारी हो गई 10 इंच और वेस्ट 9 इंच। अगर हम डॉट डालेंगे तो 10.5, तो ये हमारा यहां पर हमने आधा इंच यहां डाउन करना है। ये हम बराबर रखेंगे क्योंकि हमारे जो डॉट डालेंगे, डॉट डालने के लिए हमने 1.5 लिया है तो 10.5 होगा, और अगर डॉट नहीं डालेंगे तो हमारा 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमने
10 इंच पर ये निशान लगाना है और 9 इंच पर कमर का निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को इस प्रकार से मिला देना है। ये मिलाने के बाद हम यहां फोल्ड साइड से ओपन साइड की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई के लिए, और ये जो हमने आधा इंच डाउन किया है इसको हम सीधा इस तरीके से मिलाएंगे। लंबाई हम यहां पर लेंगे 4 इंच, फ्रंट के लिए हम 4 इंच लेंगे। अगर बैक आप इक्वल रखना चाहते हैं तो बैक इक्वल भी रख सकते हैं, कम ज्यादा अगर रखना चाहते हैं तो कम ज्यादा भी रख सकते हैं। यहां पर मैंने 4 इंच ली है फ्रंट की लेंथ और 3 इंच ली है बैक की लेंथ। गले की जो चौड़ाई है वो फ्रंट और बैक दोनों की ही बराबर ही रहेगी। अब ये जो मार्जिन हमारा बचा है इसका हम हाफ कर लेते हैं और आधा इंच अंदर आते हैं। आधा इंच अंदर आने के बाद हम ये इसको सीधा मिलाएंगे। सीधा मिला करके हम आर्मोल की शेप करेंगे और यहां ला करके मिला देंगे। ये बैक आर्मोल की शेप हो गई है और ये फ्रंट आर्मोल की शेप हो गई है। अब यहां पर हमने जो है सभी निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम यहां रफल की कटिंग करेंगे। रफल के लिए क्या करना है, हमें यहां रफल हमारे 3 हमने लिए, 10, 8 और 6। एक हमारी रफल की जो लेंथ हम रखेंगे 10 और सेकंड की रखेंगे 8 और थर्ड की रखेंगे 6। तो ये देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस प्रकार से चौकोर आपको पीस ले लेना है। सबसे पहले आपको 10 इंच की बनानी है तो उसके लिए आप 10x10 का 8x8 और 6x6 या इससे एक एक इंच ज्यादा रख के आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर ऐसे फोल्ड करना है। अब ये जो लेंथ हमने रखनी है यहां पर, ये यहां से यहां तक ये फोल्ड साइड है, ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। ये हमारी फोल्ड साइड है, ये फोल्ड है और ये दो हमारी ओपन है। तो हमें पहली लेंथ जो रखनी है 10 की रखनी है, तो हमें ये जो इधर लंबाई का निशान लगाना है, ये देखिए कैसे लगेगा। ये वाली जो हमारी गोलाई है इस गोलाई के हिसाब से ही हम यहां पर अपना निशान लगाते हैं। या तो आप पहले इसकी कटिंग कर लीजिए गले की, गले की कटिंग करके और अपने इस रफल को इस प्रकार से, ये जो फोल्ड साइड है फोल्ड साइड पे आप ऐसे रखोगे और अपने गले की ये चौड़ाई का निशान और ये लंबाई का निशान लगा के सेम शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, ये 10 इंच रखना है और ये जो गले की हमारी शेप होगी सेम गले की शेप आप यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। अभी मैं आपको फ्री हैंड करके दिखा रही हूं, लेकिन आप पहले गले की कटिंग कर लीजिए, फिर गले को कटिंग करके इसके ऊपर इस तरीके से रखिए। ये ऐसे रखा और ये यहां पर निशान लगाया और ये गले की चौड़ाई का लगाया और जो शेप हमारी गले की होगी वही हमारे रफल के नेक की होगी। और 10 इंच हमारे यहां से यहां तक, ये 10 इंच पर हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है फर्स्ट रफल का। ये ऐसे, फिर सेकंड आप चाहें तो सभी लेयर, आप देखिए मैंने 3 पीस लिए हुए हैं, 1 2 3, आप चाहें तो सभी को एक साथ इस तरीके से रखिए। एक साथ इसलिए रखने के लिए कहा है क्योंकि जो गले की शेप होगी वो तो तीनों की ही सेम होगी, ये वाली जो लंबाई होगी वो कम ज्यादा होगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको तीनों ही लेयर को इस तरीके से पकड़ के और पहले गले की जो हमने कटिंग करनी है लंबाई और चौड़ाई की, वो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। इसमें जो चौड़ाई है गले की वो हमने 2 इंच पर कटिंग की है और लंबाई हमारी टोटल ये जो है 4 और 3, इन दोनों का मिलाकर हम रफल लेंगे। या फिर आप इसमें सेम रख सकते हैं,
कम ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर 3 इंच लंबाई बैक और फ्रंट में या 4 इंच जितना रखना चाहे रख सकते हैं। तो फर्स्ट हमने तीनों की कटिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट लेयर की कटिंग करनी है। ये हमारे सेकंड लेयर की कटिंग। ये देखिए यहां पर आपको इस तरीके से रखना है कम ज्यादा। सबसे बड़ी जो है नीचे आएगी और फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ये 10 इंच की, 8 इंच की और 6 इंच की। 10 इंच लेंथ, ये 8 इंच लेंथ और ये 6 इंच। ये 3 लेयर्स हो गई है हमारी। अब हम इसके बॉडी पार्ट्स की कटिंग करेंगे। यहां पे मैंने आपको निशान लगा करके दिखाए हैं, अगर आप कम ज्यादा रखना चाहे कम ज्यादा रख सकते हो। यहां पर मैं सेम रख रही हूं 3 इंच पर। फ्रंट और बैक दोनों ही पीस की कटिंग गले की जो है बराबर रखी गई है। तीरे की कटिंग दोनों ही पीस में रखी जाएगी। ये बैक आर्म होल की कटिंग होगी पहले। बैक आर्म होल की कटिंग करने के बाद फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये जो हमने कमर का निशान लगाया है इसको इस प्रकार से कटिंग करेंगे। अब हमें अपने एक पीस को निकालना है, बैक पीस को, और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट आर्म होल के लिए यहां पर ये जो शेप दी है उसी शेप पर हम यहां कटिंग करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। ये ऐसे, ये हमारा जो है, ये देखिए ये हमारा फ्रंट पीस है और ये हमारा बैक पीस है और ये हमारे 3 रफल है। ये मैं अभी आपको यहां पे रफल लगा करके दिखाती हूं आपको कैसे लगाने। ये देखना, ये पूरा बन गया है। एक साइड से जब आप स्टिच करेंगे तो कटिंग कर लेंगे, कटिंग करके लगा सकते हैं या फिर तीरा अटैच करके पूरे की गोलाई एक साथ लग सकती है। तो ये हमारे फर्स्ट 10 इंच वाला रफल हो गया और ये हमारा 8 इंच, ये हमारा 6 इंच। ये हमारे रफल क्रॉप टॉप की कटिंग कंप्लीट हुई।